हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति का जो राग है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। नवोदय विद्यालय समिति का जो अब इस समय प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल भी मेरी समझ से परे है। मैंने 21 तारीख को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th की पूरे देश की लिस्ट मांगी थी, यानी कि किस राज्य में कितने सिलेक्शन हुए हैं, स्टेट वाइज मैंने लिस्ट जो है मांगी थी वहाँ से, और वो RTI अभी तक मेरा पेंडिंग में है। और उसी RTI को लेकर मैं एक बात करने वाला हूँ और दूसरी चीज़ एक और शुरू करने वाला हूँ। जैसे मैंने क्लास 6 के वेटिंग लिस्ट के लिए सर्वे किया है, उसी तरीके से मैं क्लास 11th के लिए भी सर्वे करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के बाद जो है मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा और आपको वहाँ पर वोट करना है किसका सिलेक्शन हुआ है, कितने परसेंट पर हुआ है, ये आपको कमेंट करना है। सिलेक्शन हुआ है, आप पहले वोट करेंगे, उसके बाद फिर जो है अपना नाम और अपनी परसेंटेज कमेंट करेंगे। जिसका नहीं हुआ है वो भी वोट करेगा और अपना नाम और अपना परसेंटेज कमेंट करेगा। और इन दोनों सर्वे का रिजल्ट जो है मैं 10 या 11 तारीख को जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दोनों को बताने वाला हूं, जिससे एक अंदाज़ा लगेगा मोटा मोटा कि कहां तक जो है कितनी कट ऑफ रही है 2022 में जो क्लास 11th में सिलेक्शन हुए हैं, यानी कि परसेंटेज पता लग जाएगा कि मिनिमम कितने परसेंट तक सिलेक्शन हो गए हैं। वैसे कुछ राज्यों की लिस्ट मेरे पास है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी है। अगर कोई स्टूडेंट उन लिस्टों से संबंधित है तो बिल्कुल मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे पास जो है पंजाब की लिस्ट है, हिमाचल प्रदेश की लिस्ट है, उत्तर प्रदेश की लिस्ट है, और बिहार की लिस्ट है, झारखंड की लिस्ट है, उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी की लिस्ट है और लद्दाख की लिस्ट है। इतनी लिस्ट मेरे पास है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी अभ्यर्थी को ये लिस्ट चाहिए है वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। दोस्तों, अब मैं RTI की बात कर रहा हूँ कि जो मैंने RTI 21 तारीख को किया था वो अभी तक पेंडिंग में दिखा रहा है। देखो, आप देख सकते हैं स्टेटस में, अभी तक ये आज ही मैंने चेक किया है, अभी तक मेरा जो है RTI वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं हुआ है। दोस्तों, मैंने प्रॉमिस किया था ये कि मैं आप लोगों को ज़रूर ज़रूर पूरी की पूरी लिस्ट दूंगा, लेकिन जब मुझे लिस्ट वहाँ से प्राप्त नहीं हुई तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ये जितनी लिस्ट मुझे प्राप्त हुई है ये अभ्यर्थियों से ही प्राप्त हुई है, जगह जगह फ़ोन करके मैंने जो है ना मंगाई है, पूछा है उनसे। लेकिन नवोदय विद्यालय समिति का जो ढीला राग है वो मुझे इस बार समझ में नहीं आ रहा है। वैसे RTI 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, लेकिन क्लास 11 से संबंधित जितने भी RTI मैंने किए हैं उनमें से मिनिमम 15 से 20 दिन लगे हैं। इससे पहले भी मैंने रिजल्ट की डेट के लिए एक RTI किया था तो उसको भी डिस्पोज ऑफ होने के लिए कम से कम 25 दिन लग गए थे। तो मेरे हिसाब से ये भी जो है RTI डिस्पोज ऑफ ज़रूर होगा, क्योंकि RTI डिस्पोज ऑफ ज़रूर किया जाता है। मिनिमम 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज के अंदर उनको डिस्पोज ऑफ करना रहेगा। दोस्तों, सर्वे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वे मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ। सर्वे से दो चीज़ें क्लियर होंगी, एक तो वो कि बच्चे कितने रह गए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कितने नहीं, और किस परसेंटेज तक बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और उसके बाद मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाना है और जाकर फटाफट से वोट करना है। ये सर्वे आपके लिए है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, चैनल द्वारा दी गई अगर किसी भी जानकारी से अगर आपका थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल हमेशा आप सभी के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सर्वे में जरूर वोट करिएगा और आपके वोट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया है तो मैं आपका नाम जरूर लूंगा इस वीडियो में। आप जब कमेंट करेंगे तो मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपका नाम आपके रिजल्ट के साथ में, आपके परसेंट के साथ में जरूर लूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।